Hi friends, my name is Murtuza Kesar. Welcome to Fly High Academies. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया. बात करते हैं हम डेफिनेशन की नेशनलिज्म की. नेशनलिज्म क्या होता है कि हम पीपल जो हैं सब एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें. फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं हम कि हम दोनों ही सेम कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं, तो एक दूसरे से एक जुड़ाव महसूस होता है. उस जुड़ाव को ही हम क्या करते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं. और भी कई तरीके से हम आइडेंटिटी को सेम रख सकते हैं, जैसे कि सेम रिलीजन के पीपल हैं, सेम कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले, सेम ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, सेम कल्चर को फॉलो करने वाले, ये सब एक कॉमन आइडेंटिटी जो कहलाती है, जिसमें एक फीलिंग डेवलप होती है जिसे हम बोलते हैं नेशनलिज्म. ठीक, वैसे ही अगर हम बात देखें नेशनल फ्लैग से भी, है ना, हम हमारे नेशनल फ्लैग को देखकर क्या करते हैं, स्प्रिट डेवलप होती है. वैसे ही अगर हम देखें पूरे ब्रॉड साइंस में देखें तो पूरी वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं नेशनलिज्म पे. अब हम जानते हैं कि सबसे गांधी जी के क्या आइडियाज़ थे, गांधी जी के क्या व्यूज़ थे नेशनलिज्म पे, जिसे अगर हम ध्यान से देखा जाए तो वर्ल्ड ने नेशनलिज्म पर जो गांधी जी के व्यूज़ है उसे बहुत ज़्यादा क्या किया है, रेस्पेक्ट दी है. गांधी जी के व्यूज़ थे, फॉर मी पेट्रोटिज्म इज बिलोंग्स टू इंडिविजुअल्स. जैसे कि इंडिविजुअल जो है वो अपने फैमिली के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, वैसे ही एक फैमिली जो है विलेज के लिए खड़ी होगी, वैसे ही विलेज प्रोविंस के लिए, प्रोविंस कंट्री के लिए, और कंट्री ह्यूमैनिटी के लिए. तो ये सब जो है क्या है, नेशनलिज्म है. आई होप आपको नेशनलिज्म समझ में आ गया है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. जब हम ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट. ठीक, अब एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या थी, तो आपको ये समझना होगा कि ऐसे क्या था एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट से कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई. तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पीपल्स थे, कंट्री के जो पीपल्स थे, वो परेशान आ चुके थे ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश की पॉलिसीज से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से. हर जगह उन्हें क्या मिल रहा था, एक पॉलिसीज से वो परेशान आ चुके थे. हर जगह उन्हें पॉलिसीज उन पर क्या कर दी गई थी, इम्पोज कर दी गई थी, थोप दी गई थी, और कई तरह के एक्सप्लोइटेशन, कई लेवल पे एक्सप्लोइटेशन होना चालू हो गए थे उनसे. उनके साथ इतने ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो गए थे कि वो अब परेशान आ चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें कि फार्मर्स जो हैं उन पर टैक्सेस लगा दिए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वैसे ही हमारे इंडियंस की हालत ख़राब थी और ऊपर से बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगा दिए तो फार्मर्स की हालत ख़राब हो गई. वैसे ही जो बिजनेस पर्सन है, हमारे जो व्यापारी हैं, उन लोग पर भी टैक्सेस लगा दिए, तो वो लोग भी परेशान थे. अब देखिए दोनों का परेशानी का सबब कौन था, ब्रिटिशर्स. तो इस तरीके से जो आपस में नेशनलिज्म फीलिंग जो है फार्मर्स की और दूसरे फील्ड्स की, आपस में एकजुट होना चालू हो गए, और यही नेशनलिज्म जो है आगे जाकर एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट आगे जाकर नेशनलिज्म में डेवलप हो गई. पहला रीज़न था हमारा. दूसरा रीज़न हम देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार. देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऐसा क्या हुआ, है ना, सबसे पहले वार होता क्यों है. वार के तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मनी, सोल्जर्स और सप्लाई. किसी भी वार के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक, याद रखिए कोई भी गरीब कंट्री कभी नहीं चाहेगी वार में पार्टिसिपेट करना. दूसरी चीज़, सोल्जर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी वार में. तीसरी, सप्लाई. जो भी सप्लाई चाहिए होता है सोल्जर्स को, जो भी नीड होती है, ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है, मनी की नीड होती है, फूड की नीड होती है, वेपन्स की नीड होती है, ये सारी नीड को क्या करना पड़ता है, जिस गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है वार में, वो सबको ये सारी चीज़ सभी सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है उनके सोल्जर्स को. तो ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत बढ़ जाता है. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये सारे एक्सपेंसेस को कहाँ भरपाई करेगी, तो उन्होंने भरपाई कहाँ करी, इंडियंस के ऊपर टैक्सेशन जो है वो इम्पोज करना चालू कर दिए, इंडियंस के ऊपर कई तरह की पॉलिसीज़ लगाना चालू कर दी. तो उसका इम्पेक्ट हुआ कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप होना चालू हो गई. आइए देखते हैं क्या क्या हुआ. पहला, न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस. नए टैक्सेस जो है वो इंडियंस के लिए इंट्रोड्यूस कर दिए गए, जैसे इनकम टैक्सेस हैं वो चालू कर दिए गए, जिससे प्रॉब्लम में जो वैसे ही इंडियंस की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और न्यू टैक्सेस के कारण और भी हालत जो है वो ख़राब होना चालू हो गई. दूसरी चीज़, कई तरह के कस्टम ड्यूटीज़, कई तरह जो प्राइजेस थी, जो भी प्रोडक्ट की प्राइजेस थी, वो सब भी बहुत ज़्यादा क्या कर दी गई, राइज कर दी गई.
ये भी एक कारण बना कि लोग जो हैं वो उनमें धीरे धीरे एंगर डेवलप होना चालू हो गया ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ। तीसरा, जो वर्कर्स हैं उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो जो भी वार में जो भी सोल्जर्स की नीड है उन्हें फुलफ़िल किया जाए, ठीक, जैसे कि जो भी उनकी वेपन्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी रीज़न है, उनके जो भी नीड है, उन सबको फुलफ़िल करने के लिए फोर्सफुली अप्लाई किया जा रहा था किन पर, वर्कर्स पे। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट आर्मी। अब ऑब्वियसली बात है कि वार जो है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, आर्मी की। तो इंडियंस को फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था आर्मी में कि वो वार लड़ें, जबकि इंडिया की हालत ऐसी नहीं थी कि वो वार में लड़ सके, लेकिन उनकी विशेष को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी जो ग्रीड है उनको फुलफ़िल करने के लिए इंडियंस को फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार है जो उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा ये सभी पॉइंट्स में। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या करा कि ये सभी पॉइंट्स जो हैं इससे बहुत बड़ा एंगर जो है वो डेवलप हुआ और ये इससे क्रिएट हुई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तीसरा पॉइंट, क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। देखिए अब ये भी क्रॉप फेलियर भी किस समय की बात है, उसी समय की बात है। उस समय क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर होने के कई सारे रीज़न होते हैं जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है ड्रॉट पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, ठीक। अब सूखा पड़ गया, उस सूखे पड़ने के हालात में क्या हुआ, और भी कई सारी घटनाक्रम हो गए, जैसे कि एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा आ गए। एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा मतलब महामारी, एक तरह की ऐसी बीमारी जो संक्रमण है, जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो फैलने लग गई। अब देखिए उस समय हालात ऐसे होते थे कि रूरल एरियाज़ में कि अगर कोई संक्रमण, कोई फैलने वाली बीमारियां लग जाती थी तो जो वास्ट किलिंग है वो चालू हो जाती थी, बहुत लोग जो है वो मरना चालू हो जाते थे बीमारी से ग्रस्त आकर। तो एक रिकॉर्ड के हिसाब से उस समय जब ये फैमाइन और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आई, करीब 12 टू 13 मिलियन पीपल जो है वो मारे गए इस बीमारियों के कारण। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ। पहला रीज़न था एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट, दूसरा था सेकेंड वर्ल्ड वार और तीसरा था क्रॉप फेलियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की जो है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सर्च ऑफ ट्रूथ। अब देखिए सबसे पहले ये आइडिया आया कहाँ से, आइडिया ऑफ सत्याग्रह आइडिया आया गांधी जी से, और वो भी गांधी जी, पहले समझते हैं गांधी जी जो हैं साउथ अफ्रीका गए थे लोगों की प्रैक्टिसेस करने के लिए। लोगों की प्रैक्टिस करने जब गए तो उन्होंने देखा वहाँ पे जो इंडियंस हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन डिस्क्रिमिनेशन के लिए उन्होंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह लॉन्च करा वहाँ पे, और काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट हुआ वहाँ पर, और फाइनली जो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट है उन्हें गांधी जी की बात माननी पड़ी और इवेंट जो है वहाँ पे सक्सेस रहा जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। तो ये सबसे पहला जो आइडिया था सत्याग्रह का वो कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका में। फिर क्या हुआ, 1915 को महात्मा गांधी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस आए। तो जैसे ही साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने चाहा कि अब ये जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो यहाँ पर भी लॉन्च किया जाए। और यहाँ इसका मतलब क्या था आइडिया ऑफ सत्याग्रह का, कि लोगों के अंदर क्या हो, यूनिटी डेवलप हो और लोग एक साथ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट चालू करें। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या, आइडिया ऑफ सत्याग्रह मतलब सत्य की तलाश, हमें सत्य को ढूंढना है। हमारा धर्म भी हमें यही कहता है कि हमें क्या करना है, सच की तलाश करनी है, और एक बार हमें सच पता चल जाए तो हमारे अंदर वो विल आ जाएगी कि हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीत हासिल करने के लिए। आप नॉन वायलेंस का सहारा लेकर भी क्या कर सकते हो, जीत हासिल कर सकते हो। तो मेन क्या था, आइडिया क्या था, सत्य की तलाश। आपको तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक कि आपको सच नहीं मिले, और एक बार जब सत्य मिल जाए आपको तो आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाना है, क्योंकि आपकी जब विल, देखिए ना आप आज के टाइम पर बहुत जगह मूवमेंट हो रहे हैं, प्रेजेंट डेज में भी कई जगह पर मूवमेंट हो रहे हैं, क्या उनके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई पावर है, नहीं, उनके पास क्या है, विल है। तो गांधी जी का भी उस समय यही मेथडोलॉजी थी कि हम क्या करें, लोगों के अंदर एक साइंस डेवलप कर लें कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक। तो उन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में जो लॉन्च करा वो कहाँ करा, 1916 में चंपारण बिहार में। अब चंपारण बिहार में उस समय क्या हो रहा था कि जो पीजेंट हैं उनके साथ ऑपरेसिव फार्मिंग करी जा रही थी, मतलब कि उन्हें इम्पोज की जा रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उन पर इम्पोज कर रही थी कि उनसे जबरन फार्मिंग कराई जा रही थी, जो उन्हें चाहिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए वो क्रॉप्स जो है उनसे प्रोडक्शन कराया जा रहा था, कहाँ पर, चंपारण बिहार पे। वहाँ पर गांधी जी ने
सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया और जहाँ उन्हें जाकर सक्सेस मिली। जब 1916 में चंपारण बिहार में ये मूवमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया 1917 में खेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। यहाँ पर क्या हो गया था कि जैसे मैंने बताया था आपको कि क्रॉप की शॉर्टेज हो गई थी, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा आ गई थी, तो बहुत बुरी हालत में गुजर गए थे पीजेंट उस समय। तो उस समय खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की बहुत हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उस समय गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च करा और ये कहा गया कि जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट हैं, वो इस साल रेवेन्यू नहीं देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे क्या कर दें, रिलैक्स कर दें। तो नेक्स्ट मूवमेंट हमारा कहाँ चालू हुआ, 1917 में। डिमांड क्या थी कि टैक्सेशन जो है, जो रेवेन्यू है, वो पे नहीं कर पाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर दें, रिलैक्स कर दें, 1917 में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद आते हैं हम 1918 में। 1918 में भी सेम क्या हुआ कि अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर है उनके लिए भी उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। यहाँ भी उनका मकसद यही था कि जो जो भी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है कॉटन मिल वर्कर के साथ, उनको साथ लेकर खड़ा किया जाए और जो भी उनकी डिमांड है ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्हें फुलफिल किया जाए। मतलब एक तरीके से आप देखो हर एक तबके को क्या किया गया, यूनाइटेड करने की, हर एक फील्ड को यूनाइटेड करने की कोशिश की गई विद द हेल्प ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। अब देखो एक तरीके से कहा जाए तो गांधी जी का क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वे था। पहला 1916 में, फिर 1917 में, देन 1918 में। जब तीनों जगह उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली तो उन्होंने सोचा कि आप 1919 में हम क्या करें, नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करें। तो जब रॉलेट एक्ट हुआ, अभी हम आगे पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट में क्या हुआ और रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे किया था। तो हमने रॉलेट एक्ट का विरोध करना स्टार्ट किया हमने। तो हमने देखा कि जब 1919 में रॉलेट एक्ट इम्पोज कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो नेशन वाइड हमने क्या चालू करा, सत्याग्रह मूवमेंट चालू करा। तो जब हम रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे तो हम उसमें और भी डीपली एक्सप्लेनेशन करेंगे। सत्याग्रह मूवमेंट में आपको समझ में आया हमने क्या क्या पढ़ा। सत्याग्रह मूवमेंट में हमने सबसे पढ़ा हुआ 1915 में गांधी जी रिटर्न आए, 1916 में चंपारण में हुआ, 1917 में खेरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ और 1918 में अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत जल्दबाजी में निकाला हुआ एक नया लॉ था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कई तरह के रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए गए थे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर। क्या क्या कर दिया गया था पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, वो भी बिना किसी सुनवाई के, वो भी कब, ने 2 सालों तक। मतलब जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको 2 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज किसको होगा, जो भी नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं हमारी कंट्री में उनको होगा। फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या होगा, ब्रिटिशर्स की तो पॉलिसी यही है कि जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्हें क्या कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। और 2 साल के लिए अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया तो फिर तो जो हमारा नेशनलिस्ट, जो भी हमारा गोल है, वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो अब क्या हुआ था, जब ये लॉ पास कर रहे थे तो जितने भी इंडियंस मेंबर्स थे उन सब ने इसका अपोज किया था। अपोज करने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस लॉ को लागू कर दिया। तो जैसे ही ये लॉ लागू हुआ कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बिना सुनवाई किए अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनकी सुनवाई 2 साल तक भी नहीं होगी तो चलेगा, तो कई तरह के मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गए इंडिया में और जगह जगह पर प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। तो सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ, जिसे हमने बात करी थी कि नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च हुआ था, तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट के खिलाफ नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और इसकी स्टार्ट कब हुई, 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट हुई, हड़ताल से ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। हड़ताल हुई, हड़ताल के बाद क्या हुआ, जितने भी वर्कर्स थे, मील वर्कर्स थे, उन सब ने, रेलवे वर्कर्स थे, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, शॉप्स बंद कर दी गई, जगह जगह पर प्रोसेशन किया गया। इस तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाना चालू कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि जब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चालू हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी क्या चाहा कि अब हमें भी क्या करना चाहिए, रिप्रेसिव मेज़र लेना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, रिप्रेसिव मेज़र लेना चालू कर दिया इन जो मूवमेंट चल रहे हैं इन्हें दबाने के लिए। और इन्हें दबाने के लिए उन्होंने क्या करा, सबसे पहले अमृतसर में जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना चालू कर दिया और गांधी जी को जो है दिल्ली में आने पर बैन लगा दिया। मतलब गांधी जी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो दिल्ली ना आ पाए। इस तरीके से उन्होंने रिप्रेसिव मेजर लगाना चालू कर दिए कि ये मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल ना हो पाए और लोग जो हैं, जो इतना बढ़ चढ़ कर मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो रुक जाएँ।
तो उनके कई तरह मेजरमेंट हो गया। इसी के साथ एक बड़ा इंसिडेंट क्या हुआ कि एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था तो पुलिस ने क्या करा, उस पर फायरिंग कर दी। जैसे ही वो फायरिंग हुई तो क्या हो गया, लोगों का एंगर जो है वो बाहर निकल गया। अब लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, नॉन वायलेंस का सहारा लेना चालू कर दिया। और वायलेंस का सहारा लेने से क्या हुआ, पुलिस स्टेशन जो है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, सब में आग लगाना चालू कर दी, फायर करना चालू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा वायलेंस होना चालू हो गया था। अब इन सब वायलेंस की सिचुएशन को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया और उस जगह पर क्या कर दिया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ क्या होता है कि फौजी रूल, आर्मी का रूल। जब आर्मी का रूल लगता है तो कई तरह के जो बेसिक लॉज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मार्शल लॉ लगाने के लिए, और कमांड किसको दे दी उन्होंने, जनरल डायर को कमांड दे दी। जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा। अब ये सिचुएशन जो है, जो रॉलेट एक्ट है वो जलियांवाला बाग मैसेकर से जुड़ी हुई है। ठीक, जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक, अब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ क्या था, एक्चुअल में क्या था, एक बाग था, एक गार्डन था जो चारों तरफ से बाउंड्रीज से कवर अप था, इंक्लोज था, और एक ही एग्जिट पॉइंट था उसका। और दो इवेंट हो रहे थे उस दिन। पहला इवेंट क्या था कि पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था कि जो भी ब्रिटिशर्स ने नए रूल्स बनाए हैं, नए रिप्रेसिव मेजर लगाए हैं, उस पर डिस्कशन होना है, उसका प्रोटेस्ट हो रहा था। और दूसरा एक इवेंट भी था, बैसाखी फेयर था। ठीक, बैसाखी फेयर में भी लोग आए हुए थे। अब क्या था कि ये जो दो बड़े इवेंट हो रहे थे उसी दिन उस बाग में, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो आउटसाइडर थे, जिन्हें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। फिर क्या हुआ कि जनरल डायर जो है अपनी पूरी आर्मी के साथ बाग में एंटर की और चारों तरफ से बाग को घेर लिया गया और ओपन फायरिंग का जो एग्जिट पॉइंट है उसे ब्लॉक कर दिया गया और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया गया। इस फायरिंग में हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स मारे गए। और जैसे ही ये बात फैली सिटीज़ में, शहरों में, तो और जो एंगर्स है लोगों का वो भड़का और मूवमेंट जो है वो आगे, कई तरह के पीपल जो हैं वो वायलेंस का सहारा लेकर आगे बढ़ना चालू हो गया। पुलिस स्टेशन में फायरिंग होना चालू हो गई, अटैक होना चालू हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आग लगना चालू हो गई। तो इस तरीके से पूरा जो मूवमेंट, जो हमने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, वो अब धीरे धीरे वायलेंट होना चालू हो गया था। फिर ऐसी सिचुएशन में गांधी जी ने सोचा कि ये हमारा मेन मोटो नहीं था जो मूवमेंट आगे बढ़ाने का था, इससे हम वायलेंस की तरफ आगे जा रहे हैं, तो इस जो मूवमेंट था उसे क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो हमने क्या देखा कि रॉलेट एक्ट जो है वो और जलियांवाला बाग जो है, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, अटैच हैं। रॉलेट एक्ट किस कारण हुआ था कि जो भी इस लॉ से, ये लॉ के क्या थे, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा और बिना सुनवाई के 2 साल के लिए। तो इसके लिए मूवमेंट चालू हुआ था और बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर जुड़ गया, तो ये मूवमेंट और बड़ा हो गया। और इससे क्या हुआ अब, लेकिन इससे एक सिचुएशन अकर हुई कि गांधी जी को ये समझ में आ गया कि अभी ये सिचुएशन हमारी अकर नहीं हुई कि हम यूनाइटेड होकर जो है काम कर सकें, तो हमें और भी कई तरह के मूवमेंट आगे बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे क्या हो कि सभी मिलजुल कर पार्टिसिपेट करें और मूवमेंट को क्या करें, सक्सेसफुली आगे बढ़ाएँ। ठीक है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे और देखेंगे कि क्या क्या हुआ।